हेलो एवरीवन, दिस अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एजुकेशन पेपर का यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन। उसी में आपका एक पॉइंट दिया हुआ है टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो टाइप्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के बारे में। तो कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे एक्सप्लेनेटरी रिसर्च से रिलेटेड लिखे हुए, इन पॉइंट्स के थ्रू हम एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द फोकस इज ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च कब की जाती है, जब दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में आप क्या करते हो, कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव का संबंध जब आप देखना चाहते हो, तो हम क्या कौन सा रिसर्च करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। यानी कि जब आप दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हो या कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहते हो, तब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का यूज करते हैं। देन आपका है लिंक डिफरेंट आइडियाज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी आगे क्या लिखा, रिलेशनशिप बाय सर्टेन फिनोमेना अगर, यानी आप क्या करते हो, डिफरेंट आइडियाज हैं, उन आइडियाज को समझने की कोशिश करते हो, उन आइडियाज को समझते हो, उन आइडियाज को आपस में लिंक करने की कोशिश करते हो, और उसके बीच में जब आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का आप नेचर फाइंड करते हो, कोई भी फिनोमेना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। यानी कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है, जस्ट कोई भी आपके जब हम रिसर्च की बात करें तो रिसर्च में ऑब्वियसली बात है आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होगा। जब उस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स के बीच में आप क्या करेंगे, जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में आप रिलेशनशिप ढूंढेंगे कि रिलेशनशिप कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कि जीरो है ना, तो तब हम केस टाइप की रिसर्च करते हैं, तब हम करते हैं एक्सप्लेनेटरी टाइप की रिसर्च। देन है आपका यूजुअली कंडक्टेड आफ्टर एक्सप्लोरेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हम तब करते हैं जब हम एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव टाइप की रिसर्च हम कर चुके होते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च करते हैं। देन आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अंडरटेकिंग टू एक्सप्लेन द वेरिएंस। यानी यहाँ पे जब हमने बात की थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम क्या करते थे, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया था कि हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन क्या था, परिकल्पना सिर्फ बनाई थी, वहां पे हाइपोथेसिस की टेस्टिंग नहीं की थी। लेकिन आपके एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, है ना। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने के बाद हम ये पता करते हैं कि दो वेरिएबल्स या दो से ज्यादा वेरिएबल्स अगर जो आपके रिसर्च में हो, तो उन रिसर्च के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है कि नहीं है, क्या कॉज के वजह से ही इफेक्ट आ रहा है, ऐसा तो नहीं किसी दूसरे रीजन की वजह से इफेक्ट पड़ रहा हो। तो ये सब क्या है, आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बात की कि जो स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स मतलब सिगरेट पीने से क्या कैंसर बढ़ता है, या कैंसर सिगरेट पीने से कैंसर आपका बढ़ता है, कैंसर होता है, तो आप क्या करोगे, सिगरेट पीने में और कैंसर होने के बीच में क्या करोगे, आप कॉज एंड इफेक्ट ढूंढने की कोशिश करोगे, क्या सिगरेट पीने की वजह से ही, सिगरेट ही कारण है कैंसर होने का, है ना, या फिर आप क्या करोगे, सिगरेट और कैंसर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करोगे। तो ये क्या है, आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के अंदर ही आती है, जिसमें आप बनाते हो हाइपोथेसिस और उस हाइपोथेसिस क्या करते हो, टेस्टिंग करते हो, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद आप एक रिजल्ट या कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या वाकई में सिगरेट पीने से ही कैंसर होता है, या सिगरेट पीने से ही लंग्स खराब होते हैं। तो ये आपके क्या है, एक्सप्लेनेटरी टाइप की रिसर्च है, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पता करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट आइडियाज, जो थॉट्स जो किसी फिनोमेना से रिलेटेड, उसके बीच में लिंकिंग का काम किया जाता है, पता करते हैं क्या कॉज की वजह से ही इफेक्ट आ रहा है, या कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। देन मेन काम क्या होता है, यहाँ पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का भी यूज करते हैं। तो ये है आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। आई होप एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का कॉन्सेप्ट इजिली आपको समझ में आ गया होगा।